हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के गुरु कृपा एजुकेशन पॉइंट चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलते हैं हमारे नए टॉपिक पर जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। मैं आपको नियमों से पहले कुछ बातें ऐसी बताना चाहूंगा जो इसके बारे में हमें पहले जान लेनी चाहिए। देखिए, मैंने एग्जाम्पल में लिखा, मोहन सेड टू मी आई एम गोइंग टू ऑफिस। ये हमारा डायरेक्ट वाला सेंटेंस है। एग्जाम में हमें डायरेक्ट वाला सेंटेंस दिया जाता है, हमें उसकी इनडायरेक्ट बनानी होती है। देखिए, दो सेंटेंस हमें यहां दिए गए हैं। पहला सेंटेंस है मोहन सेड टू मी और दूसरा सेंटेंस है आई एम गोइंग टू ऑफिस। यहां फर्स्ट सेंटेंस में मोहन सब्जेक्ट है, ये जो सेड टू है ये हमारी वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये सेंटेंस इतना सा है, केवल इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब दी हुई है और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इसके बाद जो अगला सेंटेंस है ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो सेंटेंस होता है उसके दो भाग होते हैं। एक तो होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। हमें इस सेंटेंस में पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब वाला होगा और कौन सा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच वाला होगा। देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस वो होगा जिसमें सेड टू नाम की वर्ब दी हुई होगी। दूसरी इसकी खास पहचान ये होगी कि ये जो सेंटेंस होगा वो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होगा, जबकि रिपोर्टेड स्पीच वाला जो सेंटेंस होगा वो एक कंप्लीट सेंस देने वाला सेंटेंस होगा। और इस सेंटेंस की खास पहचान ये होगी कि इसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद रखा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो डायरेक्ट वाला वाक्य होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो आप देख रहे होंगे मोहन सेड टू मी, ये हमारा सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब जिसे मैं शॉर्ट में आरवी लिख रहा हूं, ये जो हमारा सेंटेंस होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा जिसे मैं शॉर्ट में आरएस लिख सकता हूं। आते हैं नियमों की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंसों को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया। फर्स्ट नियम की शुरुआत करते हैं, हमें देखना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। ब्रैकेट्स में मैंने लिखा है जब आरएस वाला वाक्य सिंपल हो। हम ऐसे सेंटेंसों की इनडायरेक्ट बनाना सीख रहे हैं जिसमें हमारा आरएस वाला वाक्य जो होगा वो सिंपल होगा। उसका जो फर्स्ट रूल होगा हमारा वो ये होगा, सबसे पहले आपको आरवी में दिए हुए सेड टू को, आरवी में दिए हुए सेड टू को टोल्ड में बदलना है। आप सुने, आरवी में दिए हुए सेड टू को सबसे पहले टोल्ड में बदल देना है। रूल नंबर सेकंड हमारा होगा आरवी को आरएस से, आरवी को आरएस से जो कंजक्शन होगा जो जोड़ने के लिए काम करेगा वो होगा दैट। तो हमको आरवी को आरएस से दैट से जोड़ देना है। रूल नंबर थ्री, वो कैसे करना से संबंधित जो चेंजेस होंगे वो हमारे इस प्रकार से होंगे। उससे पहले आपको देखना है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। देखिए, फर्स्ट पर्सन जो होता है वो आई और वी होता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है बोलने वाला व्यक्ति, जो फर्स्ट स्पीकर होगा वो होगा आई और वी। सेकंड पर्सन जो होगा वो फर्स्ट पर्सन की बात को सुनेगा वो हमारा होगा यू। थर्ड पर्सन का मतलब होता है जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें वो हमारे थर्ड पर्सन होते हैं, जिसमें ही सी इट किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है और दे हो सकता है। आपको ये देखना है, मान लीजिए आपका जो आरएस वाला सेंटेंस है उसमें आपको सब्जेक्ट के रूप में आई और वी दिया हुआ है तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन यू दिया है तो आप कैसे चेंज करेंगे। थर्ड पर्सन होगा तो क्या करेंगे। चलिए देखते हैं। मैंने आपको ये टेबल बना करके बताया, इसे आप गौर से देखें।
ये आरबी वाले सेंटेंस की बात होगी जिसमें एक सब्जेक्ट होता है दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। आरएस वाले वाक्य में मान लीजिए आपको जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो या तो आई दिया हुआ है या वी दिया हुआ है। आप दोबारा सुने, यदि आरएस वाले वाक्य का सब्जेक्ट आपको फर्स्ट पर्सन के रूप में या तो आई दिया हुआ है या वी दिया हुआ है तो आप उसको आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। मान लीजिए आरवी वाले वाक्य का सब्जेक्ट आपको मोहन दिया हुआ था और आरएस वाले वाक्य का सब्जेक्ट आपको आई दिया हुआ है तो आप इस आई को मोहन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहां मोहन का प्रोनाउन आ जाएगा ही। ठीक है, मान लीजिए आरएस वाले वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो आपको यू सेकंड पर्सन दिया हुआ है तो आप उसको आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। मान लीजिए आरएस वाले वाक्य का कर्ता आपको थर्ड पर्सन ही सी इट नेम देने से दिया हुआ है तो आप उसको बिना कोई चेंजेस किए हुए एज इट इज लिख देंगे। ये हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड चेंजेस होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नंबर 4 है टेंस से रिलेटेड चेंजेस हमें क्या करने होंगे। देखिए इधर आपका डायरेक्ट वाला वाक्य है जो एग्जामिनर आपको देगा, इधर आपको उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। मान लीजिए आपको प्रेजेंट में कोई सा भी टेंस दिया हुआ है, प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है तो आप उसको पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसी प्रकार से मान लीजिए पास्ट सिंपल यदि आपको टेंस दिया हुआ है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे और यदि आपको पास्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। इसमें यदि आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो देखिए पास्ट में पहला जो टेंस है वो हमारा पास्ट सिंपल है, आपको इसको थर्ड नंबर इट मींस पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। मान लीजिए आपको पास्ट में दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो आप इसको चौथे, इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देना है। ये देखिए विषम विषम में चेंज हो रहा है और सम सम में चेंज हो रहा है, पहले तीसरे में चेंज हो जाएगा, दूसरा चौथे में चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आपको शैल विल कैन में से दिया हुआ है, इन सब का पास्ट टेंस बन जाएगा। शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में बदल देंगे। मान लीजिए आपको डायरेक्ट वाले वाक्य में यस्टरडे दिया हुआ है, आप इनडायरेक्ट वाले वाक्य में द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे, टुमारो को द फॉलोइंग डे में, टू प्लस टाइम को दैट प्लस टाइम में। इसका मतलब ये है जहां जहां भी प्रेजेंट टेंस होगा आप उसको पास्ट टेंस में चेंज करते जाएंगे। ये हमारा है टेंस से रिलेटेड रूल्स। रूल्स है हमारा रूल नंबर 5, वो ये है डायरेक्ट वाले वाक्य में जो कोमा दिया हुआ है या इन्वर्टेड कोमा दिया हुआ है इन सबको हटा करके आपको फुल स्टॉप में चेंज कर देना है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि डायरेक्ट वाला वाक्य कैसे इनडायरेक्ट वाले वाक्य में चेंज होगा। ये हमारा एग्जाम्पल है जिसमें आरएस वाले वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है, इसका मतलब ये जो वाक्य हमारा वो सिंपल है। क्या करना है, जैसे हम इसकी इनडायरेक्ट बनाना शुरू करेंगे, ये राजेश जो सब्जेक्ट दिया हुआ है आपको एज इट इज लिखना है। ये जो सेड टू नाम की वर्ब है इसको मैंने आपको रूल्स में बताया था, ये टोल्ड में चेंज हो जाएगी, मी एज इट इज आ जाएगा। अब बात करनी थी आरबी और आरएस को किससे जोड़ा जाए, तो आपको रूल्स में बताया गया था आरबी को आरएस से हमें दैट के द्वारा कनेक्ट कर देना है। अब देखिए आरएस वाला जो सब्जेक्ट है ये हमारा यू दिया हुआ है और मैंने आपको बताया था यू सेकंड पर्सन होता है और जब सेकंड पर्सन होगा तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, मी दिया हुआ है तो यू यहां पर जो सब्जेक्ट है तो मी का भी हमें सब्जेक्ट क्या बना लेना है, आई बना लेना है। देखिए ये देव टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब है वो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की दी हुई है, आप क्या करेंगे इस इज एम आर को वाज वर्ब में चेंज कर देंगे तो आई के साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है वाज। और अब आपको दिया हुआ है माई, देखिए ये जो माई है वो आई के परिवार का है, आई सब्जेक्ट होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है और माई पजेसिव होता है तो हमें इसको फर्स्ट पर्सन मानना है और आपको बताया गया फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, राजेश, तो राजेश का प्रोनाउन ही बनेगा और ही का पजेसिव क्या बन जाएगा, हिज, तो आपको यहां पर लिखना है हिज। फ्रेंड्स को एस कैसे एज इट इज लिख देंगे,
ये अगला सेंटेंस है ही सेड टू माय सिस्टर आई हैव डन योर वर्क। देखिए सबसे पहले ही को एडजेक्टिव लिखना है, ये जो सेड टू वाली जो वर्ब है वो टॉड में चेंज हो जाएगी, माय सिस्टर एडजेक्टिव आ जाएगा। आर वी को आर एस से दैट के द्वारा कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारा जो आर एस वाला सब्जेक्ट है वो दिया हुआ है आई, जो फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। सब्जेक्ट आपको ही दिया हुआ है तो आप ही को एडजेक्टिव लिख देंगे। आपको टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट दिया हुआ है, आप हैव को हैड में चेंज करेंगे, डन एडजेक्टिव आ जाएगा, योर, ये यू सेकंड पर्सन होता है उसका पजेसिव होता है योर, तो आपका जो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है माई सिस्टर के अनुसार चेंज करेंगे। तो जैसे योर पजेसिव है ऐसे माई सिस्टर का प्रोनाउन सी बनेगा और सी का पजेसिव होगा हर और वर्क को एडजेक्टिव लिख देंगे। ये थे सिंपल सेंटेंस वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट में चेंजेस करने के नियम। अगला नियम है, मान लीजिए आरएस वाला वाक हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, इट मींस आरएस वाला वाक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और वो इंटरोगेटिव है, तो आपको क्या करना है, सेड टू को आस्किड में चेंज करना है। पहले सिंपल सेंटेंस में आप सेड टू को टोल्ड में चेंज कर रहे थे, अब आपको सेड टू को आस्किड में चेंज करना है। दूसरा रूल्स है, आरवी को आरएस से आपको इफ के द्वारा जोड़ना है, आप वेदर से भी जोड़ सकते हैं लेकिन आप एक ही ध्यान रखें कि आपको आरवी को आरएस से इफ के द्वारा जोड़ना है। तीसरा आपका रूल्स होगा आरएस वाले वाक्य को सिंपल बना देना है। सिंपल का मतलब आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, आप पहले सब्जेक्ट को लेंगे उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। देखिए सेंटेंस है, कोमल सेड टू माय ब्रदर डू यू लाइक माय बैग। आप इसको जैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे कोमल एडजेक्टिव आ जाएगा, सेड टू को आप किस में चेंज करेंगे आस्किड में चेंज करेंगे, माय ब्रदर एडजेक्टिव लिख देंगे। अब आरवी को आरएस से किससे जोड़ दिया जाएगा, इट से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद आपको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, तो आपका जो सब्जेक्ट बनेगा वो यू दिया हुआ है, यू सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट माय ब्रदर दिया हुआ है, माय ब्रदर का प्रोनाउन हम ही लिख देंगे। ये प्रेजेंट सिंपल था, आपको इसको पास्ट सिंपल में बदलना है और पास्ट सिंपल का ये सिंपल सेंटेंस है इसलिए आप डू को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ये जो लाइक नाम की आपको वर्ब दी हुई है इसकी सेकंड फॉर्म लाइक लिख देंगे। उसके बाद आपको दिया हुआ है माय, जो कि आई के परिवार का है, इसका मतलब आई का पजेसिव प्रोनाउन ही माय होता है, तो आप क्या करेंगे इसको कोमल के अनुसार चेंज करेंगे, तो कोमल का प्रोनाउन सी होता है और सी का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो हर होता है, बैग को एडजेक्टिव लिख देंगे। अब मान लीजिए आरएस वाले वाक्य की शुरुआत किसी डब्ल्यूएच वर्ड से होती है तो हम उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। आपको करना क्या है, जो सेड टू दिया हुआ होगा उसको वापस आस्किड में चेंज करना है। अब आरवी को आरएस से जो डब्ल्यूएच वर्ड आपको डायरेक्ट वाले वाक्य में दिया हुआ होगा उस डायरेक्ट वाले वाक्य के डब्ल्यूएच वर्ड से ही आपको दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज कर लेना है। आरएस वाले वाक्य को आपको वापस सिंपल बनाना है। देखिए जैसे मैंने सेंटेंस लिखा ही सेड टू मी हाउ कैन यू यूज माई फोन, आप क्या करेंगे ही जो सब्जेक्ट है इसको एडजेक्टिव लिखेंगे, सेड टू को वापस आपको आस्किड में चेंज करना है, मी एडजेक्टिव आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आरवी को आरएस से उसी डब्ल्यूएच वर्ड से जोड़ देना है जो हमारा हाउ दिया हुआ था, हमने सेंटेंस को उसको जोड़ने के लिए यूज कर लिया। आपको क्या करना है, वाक्य को सिंपल बनाना है। सिंपल बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट की जरूरत होगी, सब्जेक्ट के रूप में आपको यू दिया हुआ है, यू सेकंड पर्सन होता है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यू यहां सब्जेक्ट है इसीलिए आपको मी का भी सब्जेक्ट बनाना है जो आई बनेगा, आपको वहां लिख देना है। कैन का पास्ट टेंस कुड हो जाएगा, यूज को एडजेक्टिव लिख देंगे और ये जो माई दिया हुआ है ये आई का पजेसिव प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, ही दिया हुआ है आपको तो ही का आपको पजेसिव प्रोनाउन बनाना है हिज और फोन एडजेक्टिव आ जाएगा, लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगा देना है।